Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. चलो अंततः आ ही गया भाभी माँ के अंतिम संस्कार का समय. क्यों रोक दिया मुझे चाचा जी? बस वहीं रुको. क्या कर रहे हैं चाचा जी? तुम्हारे चाचा तुम्हें अपने अनुसार जीवन जीने की छूट दे रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं पारिवारिक बंधनों से. ये मुझे आज नहीं, बहुत पहले कर देना चाहिए था. जाओ, चले जाओ. किंतु चाचा जी, हम तो कहीं नहीं जाना चाहते, ये हमारा घर है. नाना बालक, ऐसे नहीं बोलना है कि हमारा घर है, ऐसे बोलो कि हमारा घर था. अब ये घर ये तुम्हारे चाचा का है. तो हमें हमारी कृषि भूमि तो रखने दीजिए. अब ना कोई घर है तुम्हारा और ना ही कोई कृषि भूमि. अब जो भी है तुम्हारे इस चाचा का है. तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है. और बालक, तुम्हें घर की ये कृषि भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है. तुम लोग तो कलाकार हो, महान कलाकार. ये लो, बजाते रहो और नृत्य करते रहो. और ये पकड़ो और मांगते रहो भिक्षा. भटकते रहो यहाँ वहाँ. तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. तुम कहीं भी रहो, लेकिन आज के बाद यहाँ नहीं रहोगे. और यहाँ वापस आने का दुसाहस कभी मत करना, नहीं तो. समझ गए ना? चलो निकलो यहां से, निकलो. Da-da-da!
भ्राताओं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? भविष्य में कोई भी कठिनाई आए तो प्रभु विनायक तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। वो विश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। बस अपनी शक्तियों को पहचान कर उसका उपयोग करना है, क्योंकि कभी कभी चुनौतियाँ नहीं होती उतनी भारी जितना हम मान लेते हैं उसे। विश्वास रहे तो विजय प्राप्त होती है सदा। सुनो सुनाए हम महिमा प्रथम पूज्य गजानन की। गणपति अनंत गौर सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। गणपति अनंत गौर सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो 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 महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। और धीरे धीरे इसी प्रकार वो इस कला में और अधिक निपुण होते चले गए और श्रेष्ठ कथावाचक बन गए। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित ने उन्हें मंदिर में ही निवास का स्थान दे दिया। प्रतिदिन रात्रि भजन संध्या में वो मेरी कथा सुनाते और सभी सुनने वाले भक्तों से फल धन आदि का दान पाते। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। महादेव व जगत माता करें विचार, कौन है प्रथम पूज्य अवतार। प्रथम पूज्य स्थान वही पाएगा जो पहले करेगा परिक्रमा संसार। प्रथम पूज्य प्रतियोगिता के आरंभ की हो रही थी पुकार, देवगण करने लगे हुंकार अपने वाहन पर होकर सवार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, देखो देखो महिमा अपरंपार। देवगण उड़ने लगे समझकर अपने वाहन को विमान, मूषक की थी गति धीमी किंतु गजानन है बुद्धिमान। गजानन ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दिखा दिया, माता पिता के चरणों में है संसार ये सबको बता दिया। प्रथम पूज्य बने सबको पिछाड़, गणपति अनंत गौर सुत अनंता, धन्य हो जीवन सोने पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, देखो देखो महिमा अपरंपार। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज श्री विनायक की जय। वाह, आनंद आ गया इनका कथा वाचन सुनकर। कितने खुले हृदय से गाते हैं, मानो जैसे प्रभु का ही सुर सुन रहे हो। और इनके चाचा कितने छोटे हृदय के हैं, इन निर्दोष बालकों को घर से बाहर निकाल दिया और इनकी भूमि छीन ली। तो ऐसा था क्या? मुझे इसके बारे में ज्ञात क्यों नहीं था? मैं यहाँ का मुखिया हूँ और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं
उन्हें धन संपत्ति की सुध बुध कहाँ रहती है। इसीलिए इन्होंने न अपने घर को लौटाने के लिए कहा और न ही अपनी भूमि की चिंता की। तो फिर ये हमारा दायित्व है कि हम इनके लिए अपना स्वर उठाए। स्वर उठाएंगे, स्वर उठाएंगे, स्वर उठाएंगे, हमें स्वर उठाना ही चाहिए। उस ग्राम के वासी उन तीनों को इतना सराहने लगे, उनसे इतना स्नेह करने लगे कि मुखिया ही नहीं उनके साथ गांव के आधे निवासी उन तीनों के चाचा के पास पहुँचे। क्या हुआ, क्या बात हो गई? बात तो ये है कि तुम कैसे चाचा हो, अपने लाचार भतीजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो। अपनी इस भूल को सुधारो और लौटाओ उनकी भूमि को। लौटाओ उनकी भूमि को। दंड देंगे तुम्हें, ग्राम से बाहर निकाल देंगे। हो, तो लालची चाचा को उनकी भूमि लौटानी पड़ी होगी, है ना गणेश जी? हाँ, किंतु यहाँ भी चाचा ने चाल चली उन्हें सूखी बंजर भूमि देकर। आओ तुम्हें तुम्हारी भूमि दिखा दूं। ऐसी भूमि देखकर स्वयं लौट जाएंगे ये। ईश्वर के सच्चे भक्त के लिए कोई कुछ बुरा भी करे तो वो भी उनके लिए प्रभु का प्रसाद ही बन जाता है, और प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु का साक्षात दर्शन। उनके चाचा को ये ज्ञात नहीं था कि जो कठिनाई वो बो रहे थे वो उन तीनों के लिए उनके प्रभु का प्रसाद बनकर फलने वाली थी। जहाँ श्रम भी भ्रम ही हो, जहाँ संभव ही ना हो सफलता, वो भूमि उन तीनों भ्राताओं के लिए आशीर्वाद कैसे बन सकती थी? भूमि तो बंजर थी, पथरीली भी थी, किंतु आशा और विश्वास से पूर्ण व्यक्ति संकट में भी अवसर देखता है और विश्वास बनाए रखता है। इन तीनों भ्राताओं को अपनी माँ का मेरे प्रति विश्वास स्मरण था। भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। और बालको, मैं तुम्हारा अधिकार क्यों रखूंगा? चाचा हूँ तुम्हारा। अरे मैं तो स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ। तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये कानी भूमि खंड सौंप देता हूँ। अब तुम ही संभालो इसे, खूब फसल उगाओ। क्या हुआ, ये भूमि पसंद नहीं आई तुम लोगों? क्या हुआ भाइयों, इतने शांत क्यों हो? क्या दोष है भूमि में? नहीं भ्राता, भूमि में कोई दोष नहीं होता। दोष तो हम मनुष्य की मंशाओं में होता है। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छा। अब तुम लोग अपनी ये कानी भूमि संभालो और उगा लो फसल और मुझे मुक्त कर दो। विश्वास नहीं हो रहा, चाचा जी ने इतनी सरलता से भूमि कैसे दे दी? अवश्य कुछ है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। एक कमी है, ये भूमि सूखी है, पथरीली है, इसीलिए बंजर। तुम लोग कृषक के बेटे हो, तो कृषि भी करनी पड़ेगी। माँ ने कहा था ना कि हम कृषक के पुत्र हैं, और एक किसान कभी हार नहीं मानता, इसलिए हमें कृषि करने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। किंतु यहाँ कृषि कैसे होगी? कभी कभी चुनौतियाँ नहीं होती उतनी भारी जितना हम मान लेते हैं उसे। विश्वास रहे
तो विजय प्राप्त होती है सदा। माँ ने कहा था ना कि विश्वास से ही सफलता मिलती है। हम करेंगे, इस धरती को तैयार करेंगे, हम खेती करेंगे, हम करेंगे खेती। महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि सफाई मात्रा से जल थोड़ी आएगा, हा? और जल नहीं आया तो खेती कैसे होगी? इस कानी भूमि में फसल नहीं उगा पाएंगे, हाँ। और फिर थक कर लौट जाएंगे भजन कीर्तन करने अपने प्रभु विनायक आके। और उसके बाद ये भूमि मुझे मिल जाएगी, हाँ मुझे मिल जाएगी। लेकिन जो भी है, इनकी मूर्खता के बहाने ये बंजर जमीन साफ तो हो गई। भ्राता, हम सफल हुए, धरती अब तैयार है। वाह, अद्भुत, सर्वथा अद्भुत मेरे भतीजो। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी मेरे भतीजो कि तुम तीनों मिलकर इतना बड़ा चमत्कार करोगे। इस कानी बंजर भूमि की कायाकल्प कर दी तुम लोगों ने। वाह मेरे कर्मठ भतीजो, वाह, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन काश तुम लोग इस कानी बंजर भूमि की तरह अपना भाग्य चमका सकते हैं। अब देखो ना, ऐसी बंजर भूमि से जल तो निकलने से रहा। अब भतीजो मुझे ये बताओ कि जिस भूमि में जल ना हो उसमें फसल कहां से होगी? ये तो वही बात हो गई मेरे भतीजो कि जहां से आरंभ किया था तुम तीनों के तीनों वहीं के वहीं आ गए। भाग्य का द्वार खटखटाने से अच्छा है कर्म का तूफान खड़ा करना, फिर सब द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। और चाचा जी, हम जहां खड़े थे वहां से थोड़े ही सही पर आगे आए हैं। उचित कहा भैया ने चाचा जी, प्रभु विनायक हमारे सहायक है, हम उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ेंगे, धरती का सीना चीर कर जल निकालेंगे
और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अवश्य मेरे भतीजो, अवश्य कृपा वर्षा होगी, अवश्य होगी तुम्हारे प्रभु विनायक की। इस बंजर भूमि में जल ही जल होगा, नदी भी अवतरित होगी और जल के कुप भी खोद लोगे तुम। और कोई कठिनाई आई तो स्वयं तुम्हारे प्रभु विनायक आएंगे तुम्हारी सहायता करने के लिए। सत्य कहा चाचा जी आपने, स्वयं प्रभु विनायक अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएंगे। मूर्ख प्राणी, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? हाँ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमारे सामने इतनी गंभीर समस्या है और तुम मुस्कुरा रहे हो भला? है ना, चाचा जी ने अनजाने में एक उपाय सुझा दिया। उन्होंने कहा ना, कुप खोद सकते हैं तो प्रभु के आशीर्वाद से वही करते हैं ना। किंतु गणेश जी, उस पथरीली भूमि पर कुप खोदना तो अत्यधिक कठिन होगा, तो क्या आरंभ भी कर दिया था उन तीनों ने? हाँ, कर दिया। और उस कुप में उन्हें श्रम से अधिक उनकी भक्ति का फल मिलने जा रहा था। चकित मत हो ब्रादा, थोड़ा जल दिखाई दिया है। अगर तुम भी देख पाते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ही है जो मैं देख पा रहा हूं अपने प्रभु श्री विनायक की झलक। जीवन में मैंने अंधकार के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मेरी दृष्टि ने पहली बार मेरा साथ दिया। प्रभु श्री विनायक दर्शन दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि प्रभु स्वयं इस कुंभ में हो। अद्भुत, अद्भुत। अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त है हमें। हमें कुप की खुदाई करते रहना चाहिए। हाँ, खुदाई करते रहना चाहिए। आओ भ्राता। देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री विनायक। आश्चर्य, मेरे कानों में ध्वनि गूंजी। क्या क्या ध्वनि थी वो? ध्वनि? कैसी ध्वनि? हमने तो कोई ध्वनि नहीं सुनी। और तुम तो सुन भी नहीं पाते हो, तो तुमने कहां से सुन ली ध्वनि? किंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों ने कुछ सुना। ये तो चमत्कार हो रहा है। मुझे कुछ दिखाई दिया और तुम्हें सुनाई। हमें रुकना नहीं चाहिए। Yeah,
कैसा दिव्य प्रकाश है जल में। ये प्रभु विनायका, तुम बोले कैसे और तुम सुने कैसे और तुमने देखा कैसे? जय प्रभु विनायका, 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 जय प्रभु विनायका। ये चमत्कार है, प्रभु विनायक का चमत्कार। जय प्रभु विनायका, जय प्रभु विनायका, जय प्रभु विनायका। ये जल लाल क्यों हो रहा है? विघ्नेश्वर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागध कह श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं विक्ष नमन्ति देवः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। प्रभु विनायका स्वयं प्रकट हुए, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। जय प्रभु विनायका, जय प्रभु विनायका, जय प्रभु विनायका। ओ भाग्य हमारे, प्रभु विनायका के दर्शन हो गए। ओ भाग्य हमारे, मैंने कहा था ना कि मैंने प्रभु को यहाँ देखा था, मैंने भी सुना था। तो सर्वप्रथम यहाँ से कुदाल तो हटा देते। विघ्नेश्वर्याणि विचित्रकाणि प्रभु 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 समुतिष्ठ। जय प्रभु विनायका, जय प्रभु विनायका। आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया प्रभु, धन्य कर दिया। हमें ग्रामवासियों को बताना चाहिए प्रभु को भूमि से बाहर निकालने के लिए उनकी हमें सहायता चाहिए होगी। बोलो प्रभु विनायका की, बोलो प्रभु विनायका की, बोलो प्रभु विनायका की। उस बंजर भूमि में, कानी भूमि में और प्रतिमा चमत्कारी रूप से बढ़ती जा रही है। विश्वास कीजिए, मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। किंतु तुम तो दृष्टिहीन हो। हाँ, अब मैं सबको देख सकता हूँ। और मैं मुक्त था, किंतु अब मैं ऊंचे सुर में प्रभु विनायका की जय जयकार कर सकता हूँ। बोलो बोलो प्रभु विनायका की जय, प्रभु विनायका की जय। और जब ये जयकारा लगाते हैं तो मैं भी अपने कानों से सुन सकता हूँ। और अब मैं भी इनके साथ जयकारा लगाता हूँ। बोलो प्रभु विनायका की जय, बोलो प्रभु विनायका की जय। प्रभु विनायक की कृपा ने हमें देखने सुनने और बोलने की शक्ति प्रदान की, हमारा विश्वास कीजिए। ये तो साक्षात चमत्कार है। प्रभु विनायक आए हैं, प्रभु विनायक आए हैं, प्रभु विनायक आए हैं, प्रभु विनायक आए हैं। हाँ हाँ, प्रभु विनायक हमारे बीच आए हैं। गाना गाते गाते अब झूठ भी बोलने लगे तीनों। हमारे साथ सब जय जयकारा लगाओ। बोलो प्रभु विनायका की जय, प्रभु विनायका की जय, प्रभु विनायका की जय। अब सब हमारे साथ चलिए, हम सब साथ मिलके हमारे विनायका की प्रतिमा को उस कुएं से बाहर निकालेंगे जिसे हमने स्वयं खोदा है। हमारे साथ चलिए, प्रभु का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़िए। बोलो प्रभु विनायका की जय, 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 प्रभु विनायका की जय। ओमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अद्भुत, सत्य कहा,
विनायका स्वयं पधारे हैं। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जान सकते हैं। श्री विनायका की जय। श्री विनायका की जय। श्री विनायका की जय। व्यक्ति का अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प संकटों में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।